आदाब नाजरीन, वॉइस ऑफ गुलबर्गा के साथ मैं सैयद नईमुद्दीन। शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला, आइए नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। असेंबली हलके के बीजेपी कायदीन और कारकुनान का तारुफी इजलास। चिंचली तालिके में शदीद बारिश के सबब नदी में पानी भर जाने पर गांव वालों को परेशानी। गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा को तहनियत। श्री अलम बरबू पाटिल साउथ एमएलए गुलबर्गा को तहनियत। बस और कार के दरमियान टक्कर, 3 खवातीन जख्मी। अब खबरें तफसील से। असेंबली हलके के बीजेपी कायदीन और कारकुनान का तारुफी इजलास। गुलबर्गा नॉर्थ असेंबली हलके के बीजेपी कायदीन और कारकुनान का तारुफी अजलास। शहर गुलबर्गा में बीजेपी कलबुर्गी नॉर्थ असेंबली हलके के कारकुनान और कायदीन का एक तारुफी अजलास मुनक्किद हुआ। असेंबली इंतखाबात में बीजेपी के लिए सख्त मेहनत करने वाले तमाम वर्कर्स और लीडरों का शुक्रिया अदा किया गया। इन तमाम वोटर्स का भी शुक्रिया अदा किया गया जिन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट श्री चंदू पाटिल को वोट दिया। तारुफी अजलास में कहा गया कि जैसा कि आप सब ने मेहनत की और लगन के साथ काम किया है, जिसकी वजह से बहुत कम वोटों के फर्क से हार हुई है, मायूस होने की बात नहीं है, हम जद्दोजहद जारी रखेंगे। पार्टी लीडर ने कहा कि पार्टी के लिए मेहनत करने वाले तमाम कारकुनान के साथ हम खड़े हैं, आप लोग आइंदा पार्टी को मुनज्जम करें। इस मौके पर पार्टी के तमाम रहनुमा, कारकुनान, चंदू पाटिल साहब के रिश्तेदार वगैरह मौजूद रहे। गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा को तहनियत। गवर्नमेंट टीचर एसोसिएशन की जानिब से गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए मोहतरमा कनीज फातिमा को तहनियत। गवर्नमेंट टीचर एसोसिएशन ने गुलबर्गा नॉर्थ की एमएलए मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा को कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में इनकी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करते हुए एक प्रोग्राम में मदु किया। एसोसिएशन की जानिब से मोहतरमा कनीज फातिमा का इस्तकबाल किया गया। टीचर्स की कुछ शिकायत थी जिसे मोहतरमा कनीज फातिमा ने बड़ी गौर से सुना और इन्हें इस शिकायत पर जल्दी कार्रवाई करने का तयखुन देते हुए इन्हें सरकारी स्कूलों की तरक्की के लिए अपने अजायम का इजहार भी किया। इस मौके पर कनीज फातिमा और फराजुल इस्लाम मौजूद रहे जिन्हें मुबारकबाद दी गयी। चिंचली तालिके में शदीद बारिश के सबब नदी में पानी भर जाने पर गांव वालों को परेशानी। चिंचोली तालुके में शदीद बारिश के सबब नदी में पानी भर जाने पर गांव वालों को परेशानी। जुमा के रोज गुलबर्गा जिला के चिंचोली तालुके के दिवर्गी में नदी में पानी भर गया, जिससे गांव में आने जाने वाले रास्ते पर पानी की बहाव की वजह से गांव वालों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। अभी मानसून की दस्तक पर ये पहली बारिश से ही ये हाल हो गया है। अभी मौसम की बारिश होना बाकी है, गाँव वालों को मजीद परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बारिश शुरू होने से पहले ही रास्ता अगर दुरुस्त करवाया जाए तो परेशानी से निजात मिल सकती है। श्री अलम प्रभु पाटिल साउथ एमएलए गुलबर्गा को तहनियत। श्री अलम प्रभु पाटिल साउथ एमएलए गुलबर्गा को तहनियत। गुलबर्गा शहर साउथ से कांग्रेस पार्टी के एमएलए श्री अलम प्रभु पाटिल का पहली बार जुनूब हल्के से जीत हासिल कर एमएलए बनने पर कांग्रेस पार्टी के लीडर और वर्कर्स की जानिब से एक तहनीती प्रोग्राम रखा गया था। वीर शॉल कल्याण मंडप में प्रोग्राम काफी कामयाब रहा। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के कई लीडर और वर्कर्स कसी तादाद में मौजूद रहे, जिनमें काबिले जिक्र नाम श्री जगदेव सदर कांग्रेस पार्टी गुलबर्गा, शिव गंगा स्वामी जी, श्री भीमा शंकर, बी आर पाटिल अलंद एमएलए, शरनूल मोदी, संतोष बिलगुंडी के अलावा कई लीडरान और पार्टी कारकुनान मौजूद रहे। बस और कार के दरमियान टक्कर, 3 खवातीन जख्मी। बस और कार के दरमियान टक्कर, ड्राइवर समेत 3 खवातीन जख्मी। जवरगी से आने वाली कार जिसमें 3 खवातीन और ड्राइवर थे, गुलबर्गा से जा रही केकेआरटीसी बस ने पानी गांव क्रॉस के पास टक्कर दे दी, जिससे कार उलट गई और ड्राइवर कार के अंदर बुरी तरह फंस गया था, जिसे बड़ी मुश्किलों से निकाला गया। 4 जख्मियों को एक प्राइवेट हॉस्पिटल पहुँचाया गया है, जहां पर ट्रैफिक पुलिस ने पहुंचकर मामला दर्ज कर लिया है। नाज़रीन, हमारे खबरों का सिलसिला यही मुकम्मल होता है, आप देखते रहें वॉइस ऑफ गुलबर्गा।